टाइम्स न्यूज। गुरुवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए जनता कर्फ्यू की अपील करी। जनता कर्फ्यू की अपील के साथ ही उनसे निवेदन किया कि जनता कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर न निकले, अपना और परिवार का ध्यान रखे। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि खाने पीने की चीजें ज्यादा ना बटोरे। देश में खाने पीने की कमी नहीं, बस अपना परिवार का ध्यान रखे। आइए नजर डालते और क्या कहा अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को गंभीर संकट बताते हुए कहा कि संकल्प और संयम से हम इस पर काबू पा सकते हैं। बृहस्पतिवार रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए पीएम ने 22 मार्च को देशवासियों से कर्फ्यू लागू करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए ये कर्फ्यू वैश्विक महामारी की जंग जीतने का संकल्प का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा है, दुनिया ने इससे पहले कभी इतने बड़े खतरे का सामना नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा, रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू के तहत आवश्यक सेवा करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर बाकी लोग घर पर ही रहेंगे। शाम 5 बजे अपने घरों के दरवाजों पर खड़े होकर के ताली या थाली बजाकर कोरोना मरीजों की सेवा में दिन रात जुटे सेनानी, डॉक्टर और अन्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें। उन्होंने कहा, खाने पीने व और जरूरी वस्तुओं की कमी नहीं है कि जमाखोरी ना करें। साथ ही अपील की, बुजुर्ग कुछ सप्ताह के लिए घर से ना निकलें।